हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हीम और ये मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो होगी। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूपी, 14 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और थोड़ा सा बहुत फोटोग्राफी का शौक़ है मुझे। एक आज का टूर था यहाँ पे आने का, वो हमने इस वीडियो में दिखाया है क्या क्या होगा। और अभी हम भोपाल में, भोपाल से जा रहे हैं हम इंडिया का सबसे पुराना स्टोन स्ट्रक्चर देखने के लिए, जो कि पड़ता है सांची में। और ये 300 BC में द अशोक ग्रेट ने बनवाना शुरू किया था और इसको जो खोजा था वो अंग्रेज़ों ने 1912 में इसको पता लगाया था ये कहाँ पर है, और इन्होंने इसका रिस्टोरेशन किया था अंग्रेज़ों ने। और तो उसको जाएंगे, आपके सफ़र दिखाएंगे आपको कि वहाँ जाने का क्या सफ़र है, और वहाँ पे चल के आपको मॉन्यूमेंट दिखाएंगे और उसके बारे में कुछ वहाँ पे बताएंगे। और भोपाल से मॉन्यूमेंट तक जाने के लिए तीन तरीके हैं जिनसे आप जा सकते हैं। अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं और ट्रेन से जा सकते हैं। हमारे पास गाड़ी है तो हमारे लिए कन्वीनियंट है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं। और अगर गाड़ी से जा रहे हो तो फ्यूल रिफिल कराना मत भूलना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फुल कर देना। और अगर गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी खुद मत चलाना, क्योंकि रास्ता बहुत खूबसूरत है और व्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल रास्ता इज अमेजिंग, बहुत सीनिक ब्यूटी है। रास्ते में जाएंगे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और मैं तो कहूँगा अगर आप भोपाल से, स्पेशली भोपाल से अगर सांची जा रहे हैं सांची स्तूप देखने के लिए, तो रोड से जाइएगा, अपनी बाइक से जाइएगा, कार से जाइएगा। ट्रेन में मुझे नहीं पता कैसा लगता होगा, मगर रोड से बहुत खूबसूरत है, रोड बहुत अच्छा है। देखना, ये कोई किला होगा कभी पुराना बना हुआ, और यहाँ बिल्कुल उसके देख रहे होंगे आपको। ये हैं हमारे बड़े साहब यानी बड़े भाई, तो इनसे पूछते हैं कि ओवरऑल जो जर्नी है यहाँ की, ये रास्ते की खूबसूरती और क्या कैसा लगा इन्हें रास्ते। हम भोजपुरी से आए हैं ना, उनका लैंग्वेज हमको आ गया है, तो इसलिए हमको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहुंच गए हमारे सांची स्तूप पे, दिखाते हैं आपको। इनकी गाड़ी थक गई, हमारी नहीं थकी, हमारी सही है गाड़ी, इनकी गाड़ी थकी है, हमारी नहीं थकी। देखो यहाँ टिकट लिया है भी हमने 40 रुपए का, और कह रहे हैं मास्क मैंडेटरी है, और मास्क लगाना से समझ लो बस खाली पड़ा है पूरा, मगर इन्हें चाहिए मास्क लगा के जाओ, उसके बिना नहीं जा सकते। ये इस तरीके के स्तूप हैं, और सबसे बड़ा वो वाला है, और ऐसे ऐसे कई सारे हैं यहाँ पे। जैसा ये है, ये बनाए थे अशोक ने, द ग्रेट ने, जब वो यहाँ का गवर्नर बना था। और पूरा रॉक का है बना हुआ ये, और बड़ा खूबसूरत है। और इसकी ये दिखाओ, देखो कितने कैमरे में आ रही है पता नहीं, बट ये भी बहुत अच्छी है। ये अभी तो हम छोटे वाला देख रहे हैं, अभी बड़े वाले पे नहीं गए। यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो नहीं पता है, क्योंकि इन जो गेट्स बने हुए हैं, ये वाले जो गेट्स हैं, इनमें कुछ मूर्तियाँ वर्तियाँ बनी हुई हैं, मुझे नहीं पता वो किस लिए बनी हुई हैं, क्या उनका मीनिंग है। अभी जो देखा था वो था हमारा छोटा वाला स्तूप, ये आए हम बड़े स्तूप में। बड़े स्तूप में छोटे स्तूप में इतना फ़र्क है, ये बड़ा है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो सारा, ये सब चीज़ें बड़ी हैं यहाँ पे, और स्ट्रक्चर मतलब बड़ा है। वो छोटा था, वो मिनिएचर वर्जन है, ये बिग बड़ा वर्जन है, बस इतना सा फ़र्क है। वो है छोटा स्तूप, और जहाँ भी हम हैं ये है बड़ा स्तूप। ये सारा सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो जो है वो छोटा है और ये बड़ा है। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है, लिटरली बहुत अच्छा व्यू है, पता नहीं कैमरे में आपको नज़र आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ से पूरे माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो पूरा मैदान दिख रहा है, ये वाला वो वहाँ पे मैदान है, और बहुत अच्छा व्यू है। जो भी है बहुत अच्छा बना हुआ, मतलब लगता है कोई आर्किटेक्चर है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, गुम्बद टाइप है, उल्टे कटोरे की तरह है, मगर है अच्छा बना हुआ। और ये है सांची स्तूप के जहाँ हम सामने हैं बिल्कुल, और यहाँ से बिल्कुल टॉप पे है ये, और यहाँ से बिल्कुल पूरा सांची दिखता है, यहाँ से पूरा व्यू देख रहे होंगे आप, वो सारा दिखता है। और जहाँ भी हम आए, ये है मॉनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आई थिंक, ऐसा है मॉनेस्ट्री के अंदर से ये सब है। यहाँ पे बीच में जो है ये खाली एक पूरा स्क्वायरिश एक जगह खाली है, उसके साइडों में ये कुछ ऊंची ऊंची चीज़ें बनी हुई हैं, कमरे से बने हुए छोटे छोटे से। अपने ऊपर देखें दो स्तूपा, एक बड़ा स्तूपा एक छोटा स्तूपा, वो है स्तूपा नंबर 3। हम जो कह रहे थे छोटा बड़ा स्तूपा, नहीं, एक स्तूपा और है
जो यहाँ पे साइन बोर्ड है नीचे जाएंगे, एक स्तूपा स्तूपा नंबर 2 नीचे पड़ेगा जाके, तो वो देखने के लिए चलते हैं अभी। ये रास्ता है जाने का नीचे, जो स्तूपा नंबर 2 है ना, हम थोड़े नीचे तो आ गए थे मगर अभी रियलाइज हुआ, कोई बता रहा था ऊपर कि 1 किलोमीटर नीचे है। भाई हमें हिम्मत नहीं है, हम वापस जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे स्तूपा देखने नीचे वाला। ये भी कुछ चीज़ है, ये हमने उधर का एक्सप्लोर कर रहे थे, अभी हम ये दूसरी साइड में है, अभी आए। यह है ये, हाँ ये भी मॉनेस्ट्री है, विहार मॉनेस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी मॉनेस्ट्री है। एक जो मॉनेस्ट्री आपको उधर दिखाई थी वो दूसरी साइड में थी, और ये दूसरी साइड में है, बिल्कुल अपोजिट है। देखो ये, देखो ये उस टाइम के रूम इस तरीके के थे। अभी पैर टूट जाता है यार, ये थोड़े, ये मॉनेस्ट्री पता नहीं ये क्या है, छत भी हुआ करती थी लेकिन अब छत इनके ऊपर से हट गई है, अब पता नहीं होती थी नहीं होती थी, बट ये ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये है मॉनेस्ट्री। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये अंग्रेज़ों की देन है, जो हमारे पास ये इतना अच्छा सांची स्तूपा इतनी अच्छी कंडीशन में है। आप ये इमेजिन करो, आज से तकरीबन 2400 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, इमेजिन करो क्या चीज़ होगी। ये कुछ है स्ट्रक्चर, ये रिस्टोर नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, ये इनके साइज़ के पत्थर नहीं मिले हैं, क्या नहीं मिला है, बट ये रिस्टोर नहीं है। बाकी सारा इधर की साइड वाला जो मॉनेस्ट्री है ना, ये रिस्टोर नहीं है, उधर की साइड वाला मॉनेस्ट्री पूरा रिस्टोर्ड है, वो अच्छा भी लग रहा था। ये थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे वेस्ट है, जो उनके पत्थर कहीं यूज़ नहीं होंगे शायद, ये जो पत्थर हैं ये वो वाले पत्थर हैं। और यहाँ से व्यू देखो, सनसेट पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, अभी देखो क्या इन्होंने ताला। और कहाँ जाते हो तुम, अंदर? हाँ। अंदर क्या करते है बताओ पहले, मुझे अंदर जाना था। अरे तो चले जाओ, कैसे ताला तोड़ जा सकते हैं, एक पत्थर होना चाहिए। और भाई अब जितना दिखाना था आपको दिखा दिया, मुझे ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं पता थे जहाँ के, क्योंकि बस जितना विकिपीडिया में पढ़ा था उतना ही मैंने बता दिया आप लोगों को, और जैसे भी दिखा सकता था वैसे दिखाने की कोशिश करी है। फर्स्ट ब्लॉग था ये मेरा, और बस अब हमारी हो गई बैटरी डाउन, अब हम जाएंगे यहाँ से, रात होने से अंधेरा होने से पहले पहले निकलना, क्योंकि सिंगल वे रोड है। तो बस यहीं पे व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और बस यहाँ से जाएंगे, खाना खाएंगे और घर पहुँच जाएंगे। बाय बाय।